इस एपिसोड में अयांश इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको डॉक्टर मुनव्वर राना साहब का एक शेर सुना करके इसका शुरुआत करता हूँ, इसकी स्टार्टिंग करता हूँ। आप देखते हैं कि मैं जो शेर सुनाने जा रहा हूँ उस पर आप ज़रूर क्लिपिंग करेंगे, आप उसको गहराई से लेंगे। शेर पढ़ रहा हूँ कि बुलंदियों का ऊँचे से ऊँचा मकाम छुआ, बुलंदियों का ऊँचे से ऊँचा मकाम छुआ, जब माँ ने गोद में लिया तब आसमान छुआ। इस शेर के साथ मैं नेगेटिव पार्ट इसका बताना चाहता हूँ, यानी बुलंदियों का ऊँचे से ऊँचा मकाम छुआ, जब माँ ने गोद में उठाया या गोद में लिया तब आसमान छुआ। इट मीन्स कि बहुत ऊँचे स्थान पर आप पहुँचे, आपकी पहचान आपकी शोहरत हुई। इस नेगेटिव पार्ट को देखिए आप इस शेर के साथ कि किस तरह से हम इसका नेगेटिव पार्ट बनाते हैं। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, जिन वाक्यों में कार्य का नहीं होना पाया जाता वो नकारात्मक ही होता है, जैसे लाइक एज, देख रहे हैं आप इस सेंटेंस को कि मोहन मेरा मित्र नहीं था। अगर हम अफर्मेटिव बना रहे होते तो हम कहते इसको कि मोहन मेरा मित्र था, लेकिन चूँकि ये नेगेटिव में है तो इसलिए हम इसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम नाउन का यूज़ करेंगे, नाउन मीन्स मोहन, और नंबर टू इसकी इंग्लिश लिखेंगे, नंबर थ्री पे नहीं की इंग्लिश लिखेंगे, नंबर फोर पे मेरा और नंबर फाइव पे मित्र। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मोहन मेरा मित्र नहीं था, इसका ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। हम बनाएंगे कि मोहन वाज नॉट माई फ्रेंड। देखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिए और किस और सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबा करके आप इसको पसंद कीजिए। सबसे पहले वीडियो पसंद कीजिए और किसी तरह की कोई आपको परेशानी हो, डिफ़िकल्टी हो, प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए और देखिए कि मिस्टेक तो सभी से होती है, गलतियाँ होती हैं, इंसान से ही होती हैं। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए मैं और फ़ायदा लीजिए जहाँ तक हो सके मेरी इस वीडियो से। तो मोहन वाज माई नॉट फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त नहीं था। नंबर टू मेज कक्षा में नहीं थी, इसका सेंटेंस मेज कक्षा में नहीं थी, द टेबल वाज नॉट इन द क्लास रूम, द टेबल वाज नॉट इन द क्लास रूम। इस पर आधारित इस और बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे रोहन मेरा प्रिय मित्र नहीं था, रोहन वाज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, श्री शर्मा मेरे हिंदी अध्यापक नहीं थे, श्री शर्मा मिस्टर शर्मा वाज नॉट माई हिंदी टीचर, भोला एक गरीब आदमी नहीं था, भोला वाज नॉट ए पुअर मैन, रोहन एक अच्छा लड़का नहीं था, रोहन वाज नॉट ए गुड बॉय। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं आपके। अब हम चलते हैं यूज ऑफ वर्ब, जिसका नेगेटिव पार्ट देखेंगे। यस, लाइक अस संतरे डलिया में नहीं थे, तो संतरा एक नहीं है, बहुत से हैं, तो इसका यूज़ हम बहुवचन के रूप में करेंगे। जानते हैं ओ फॉर ऑरेंज, तो चूँकि ये बहुवचन में है तो ऑरेंज वर नॉट इन दी
बास्केट। ये सेंटेंस बना, इसका यूज हम करेंगे इस तरह से नंबर वन डाल के। नंबर वन ये ऑरेंज वर नॉट इन द बास्केट। और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप, जैसे कौए छत पर नहीं थे, द क्रोज वर नॉट ऑन द रूफ, हम बीमार नहीं थे, वी वर नॉट इल, रामू और श्यामू कक्षा में नहीं थे, रामू एंड श्यामू वर नॉट इन क्लास, गुरुजन ऑफिस कार्यालय में नहीं थे, द टीचर्स वर नॉट इन द ऑफिस, तुम शैतान नहीं थे, यू वर नॉट नॉटी, या यू वर नॉट, तुम शरारती नहीं थे, यू वर नॉट नॉटी, संतरे खट्टे नहीं थे, द ऑरेंज वर नॉट सॉर, केले मीठे नहीं थे, द बनानाज वर नॉट स्वीट, हम तुम्हारे मित्र नहीं थे, वी वर नॉट योर फ्रेंड्स। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंसेस को बना करके आप इस एपिसोड के माध्यम से बहुत कुछ इंग्लिश सीख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए अयांश इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कीजिए, और लाल बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि फिर मिलेंगे इस शेर के साथ। आखिर में दो शेर पढ़ता हूँ कि अपनी नज़रों को चरागों में महदूद कर लो, दूर तक शाम ही शाम होगी, अपनी नज़रों को चरागों में महदूद कर लो, दूर तक शाम ही शाम होगी, मैं भी मुसाफिर हूँ, आप भी मुसाफिर हैं, फिर किसी वक्त पर मुलाकात होगी।